फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन टू एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन का ना स्क्रीन का जो रिफ्रेश रेट है उसे आप कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले का, इसे सिलेक्ट करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट का, इसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब देखिए इस पेज में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो हाई का और दूसरा स्टैंडर्ड का। तो इसमें अगर आपका ये जो है स्टैंडर्ड पे टिक मार्क लगा हुआ है तो इसको आपको जो है ना हाई पे सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और इस तरीके से आपके रिफ्रेश रेट जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड में 60Hz होता है और इसमें 120Hz होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये रिफ्रेश रेट बढ़ाने से होगा क्या कि आपका यहाँ पर जो है ना मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना उसको जब भी आप स्क्रॉल करेंगे टच करेंगे वो है ना बहुत ही ज्यादा स्मूदर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथली काम करेगा, ठीक है।